bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum grade 3, my name is Miss Aman Rao, your English teacher from the Educator's Society campus, Shahdadpur. I hope you all are fine, so let's start our first lecture. Our first unit is sugar and spice. What is the name of our first unit? Sugar and spice. S-U-G-A-R, sugar. Sugar means shakar, yani chini. And spice means, spice means masala. So what is the name of our first unit? Sugar and spice. नाव हेयर आर टेन वर्ड्स मींग्स फॉम योर यूनिट नंबर वन हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपनी वर्ड्स मीनिक्स याद करेंगे सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ प्रीपेयर प्रीपेयर मीट्स तैयार करना जैसे रेडी मीट्स तैयार करना होता है इसी तरह से प्रीपेयर मींस भी तैयार करना होता है रेडी मीट्स भी तैयार करना एंड प्रीपेयर मीट्स भी तैयार करना नाव द सेकेंड वर्ड इज एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट मीन्स बेकरारी बेकरारी किसे कहते हैं जैसे जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम कहते हैं ना वी आर सो एक्साइटेड हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बहुत जोश और जज्बे के साथ तो उसे हम बेकरारी कहते हैं ओके नाउ द थर्ड वर्ड इज सिनेमन सिनेमन मीन्स दालचीनी दालचीनी क्या होता है किसी को पता है दालचीनी क्या है दालचीनी जो गर्म मसाले में होता है जो मम्मा खाने में डालती हैं इस तरह की इस तरह की लकड़ी होती है वो गर्म मसाले के अंदर देखिए ना सबने इसे हम दालचीनी कहते हैं सिनेमन मीन्स तारचीनी नाउ द फोर्थ वर्ड इज मैचर मेजर मीन्स नापना नापना किसी चीज़ को नापना हो या तोड़ना हो उसे हम मैचर कहते हैं मेजर मींस नापना ना और फिफ्थ वर्ड इज पोर पोर मींस डालना या उडेलना डालना क्या होता है सबको पता है डालना तो डालना यानि जब हम बोटल से पानी गिलास में डालते हैं ना तो वो पोर होता है पोर मींस डालना पोर मीन्स डालना या उंडेलना। अब सिक्स वर्ड इज़ कोशिजली कोशिजली मीन्स एहतियात से जब कोई काम हम बहुत ध्यान से बहुत केयरफुल होकर करते हैं तो उसे हम कोशिजली कहते हैं कोशिजली मीन्स एहतियात से नाउ द सेवन सेवनथ वर्ड इज़ पोक पोक मीन्स चुभ होना जब कोई पिन वगैरह हम किसी चीज़ पर चुभोते हैं तो वो पोक करना होता है पोक मीन्स चुभ होना ओके नाउ सपोज़ सपोज़ मीन्स गुमान करना गुमान करना यानी खुद से ही अंदाज़ा लगा लेना या पहले से ही सोच लेना कि ये काम ऐसे होगा या ये चीज़ ऐसे होगी जैसे आपके पास सैंडविच है आपने उसे खाने से पहले ही सोचा कि ये टेस्ट ही नहीं होगा आपने अंदाजे से कहा तो ये गुमान करना हुआ क्या करना हुआ गुमान करना सो सपोज़ मीन्स गुमान करना नाउ अवर सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ मोन मोन मीन्स गमो अफसोस करना यानी जब हमें बहुत दुख होता है हम अफसोस करते हैं तो इसे हम मोन कहते हैं मोन मीन्स गमो अफसोस करना एंड आवर लास्ट वर्ड इज़ इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स मीन्स खाने के अज्जा खाने के अज्जा यानी सामान अगर आपने एक तैयार करना आपने एक रेडी करना है तो उसमें हमें कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें उसमें अनियन चाहिए टोमेटो चाहिए रेड चिली पाउडर चाहिए एंड हमें साल्ट भी चाहिए तो ये सारी चीज़ें क्या हुई ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हुई इंग्रेडिएंट्स मींस खाने के अज्जा ओके ना फिर से पढ़ते हैं प्रिपेयर मींस तैयार करना एक्साइटमेंट मीन्स बेकरारी सिनेमन मींस दार चीनी मेजर मींस नापना पोर मींस डालना या उंडेलना कोशजी मींस एहतियात से पोक मीन्स चुभ होना सपोज मीन्स गुमान करना मोन मीन्स गम ऑफ सोस करना एंड इन्ग्रीडियंट्स मीन्स खाने के अज्जा ओके नाओ दिस इज़ योर होमवर्क योर होमवर्क इज़ लर्न फाइव वर्समिन ऑफ यूनिट वन डेली आपने अपने यूनिट वन की ये फाइव फाइव वर्समिन डेली याद करनी है आपने फर्स्ट डे पर यानि आज ये वर्समिंग्स याद करनी है ये फाइव आपकी फ़र्स्ट फाइव वर्ड्स मिंग्स हैं ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपने याद करने के साथ साथ आपने ये लिख कर भी दिखानी है जैसे आप क्लास में लिख कर दिखाते थे आप क्लास में टेस्ट करते थे ना इसी तरह से अब आपने मम्मा को टेस्ट करके दिखाना है ओके एंड नेक्स्ट डे पर यानी कल आपने ये लास्ट फाइव वर्ड्स मिंग्स आपने याद करनी है तो आज आपने ये वाली वर्ड्स मिंग्स याद करनी है फाइव वर्ड्स मिंग्स एंड कल आपने लास्ट एंड लास्ट फाइव वर्ड्स मिंग्स याद करनी है ओके okay? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रिपेयर मींस तैयार करना एक्साइटमेंट मीन्स बेकरारी सिनेमन मींस दार चीनी मेजर मीन्स नापना पोर मींस डालना या उंडेलना ये फाइव वर्ड्स मींस आपने आज याद करनी है एंड कल आपने कोशिजली मीन्स एहतियात से पोक मींस चुभोना सपोज मीन्स गुमान करना मोन मीन्स गमोफसोस करना इंग्रेडिएंट्स मींस खाने के अजसा एंड ये लाइफ लास्ट फाइव मीनिंग्स आपने आज याद कल याद करनी है ओके फर्स्ट डे पर ये वाली मीनिंग्स याद करनी है एंड नेक्स्ट सेकेंड डे पर आपने ये वाली मीनिंग्स याद करनी है आप ये सारी मीनिंग्स अच्छे से याद कर लीजिएगा ये सारी मीनिंग्स याद करने के साथ साथ मम्मा को लिख कर भी दिखाइएगा जब हम अपना नेक्स्ट अपना फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी मीनिंग्स याद हों और हम अपना यूनिट भी ईजीली स्टार्ट कर सकें ओके अल्लाह हाफिज़